बाबा साहब तेरी सोचते नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ अब बहुजन क्रांति मोर्चा ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान कुछ दिन पहले शहर में CAA के समर्थन में निकाली गई तिरंगा यात्रा का जवाब देने के लिए लिया गया है। नगर निगम के बैठक हॉल में शहर की विभिन्न संस्थाओं के साथ बैठक कर मोगा बंद की योजना को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में कांग्रेस के पूर्व सांसद केवल सिंह भी मौजूद थे। मैं डॉक्टर मक्खन मामली मुस्लिम भाई का प्रधान डिस्ट्रिक्ट मोगा तो जय भीम जय भारत। मैं नरेंद्र डुंगर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज मालवा चोन इंचार्ज ते जिहड़ी धर्मेंद्र वीर ने जिहड़ी गल कही सी भी इस संयुक्त रूप से जिहड़ी अगवाई होगी जिन्नियां भी जथेबंदियां हैगियां साडियां इत्थे पहुंचियां होईयां ये सारे ही रहनुमाई इहदी जिहड़ी जिहड़ा मीटिंग आ मीटिंग तो बाद प्रोग्राम होणी मेरा तकरीबन सारे जानते हैं मैं से वर्कर यूनियन वालों हिंदुस्तान का वाइस प्रेजिडेंट है स्टेट का प्रेजिडेंट है सारे भरावान सलावान लेकिन अल्लाह की थोड़े तो रहमती बनी रहे। मेरा नाम जी सरफरोज अली भट्टी मैं चेयरमैन हाँ जी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी जिला मोगा। बोलो जी साथी अस्सलामुअलैकुम मैं सतरंग कमेटी का सरपरस्त मोहम्मद डॉक्टर जॉनी सदीक सेक्रेटरी मुस्लिम वेलफेयर कब होगा वाली उस्मान गली उस्मान गली का पदार सारे भरावों जी अस्सलामुअलैकुम जी मैं प्रेजिडेंट ऑल इंडिया शाही बोर्ड डिस्ट्रिक्ट मोगा वालों मुस्लिम भाईचारा जवाब जे आप छोड़े अपने बंदे इदा दे भी है इनी किस्म का रखते भी क्या कल नुकसान भी होगा आज साढ़े इतो सड़े कि होर भी शिफ्ट करेंगे पर सब तो ज्यादा मैं उन्नती आ रहा जानी है तुम भी एक तो सारे भरा जिम्मे पहुंचे थे बड़े जोश ऐसा ही आप उन्नती देखा किसे RSS ते BJP ने मिलके अपने मैं कहूंगा अपने अंगेस्ट उन्होंने मार्च कढ़िया और इतिहास गवाह अज तक कदे किसी ने अपना कोई भी एजिटेशन अपना विरोध नहीं होया अज तक ये पहली बार होया जे आप इदा ही सहन करके गांव के हौसले होर बुलंद होने हैं अख तो सिर्फ उन्होंने शुरुआती दौर में मुसलमान से हूँ जिमें जिमें इस कानून बारे सब जानकारी मिलती आप सब पता वे दलित भाईचारे भी गां नुकसान आने वाले टाइम सिख भरावान भी नुकसान है ईसाई भाईचारे सब नुकसान है। मैं ज़्यादा डिटेल च नहीं जाऊँगा जो अपना 29 का प्रोग्राम रखा हुआ मुस्लिम भाईचारे वालों असी अज तो ही जिहड़ियां साडियां हल हल्के साडियां कमेटियां बनिया हुई ने साडे भाईचारे दे लोग है उन्हां नाल असी संपर्क साधना असी शुरू कर दिता है ऑलरेडी असी एक प्रोग्राम कर चुके हैं हुण आने वाले टाइम 29 तरीक नूं क्योंकि अपने सब कोले 2 हफ्ते का टाइम हैगा मेरी बस यही बेनती है जिहड़ा प्रोग्राम क्योंकि असी कर चुके हैं सिर्फ फोन करके किसी नूं इह ना सोच लियो कि वह अपने नाल आके खड़ा बेनती है भी जिथे भी मौका मिले क्योंकि जो असी कीता सी जिथे 2 साडे भाईचारे दे बंदे सी असी उत्थे भी पहुंचे जिहड़ा मोदी सरकार ने काला कानून बनाया हुआ
ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮੂਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਲੱਭ ਬੈਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੋਜਕ ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ SC ST OBC ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 19 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ NRC ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ SC ST OBC ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚਾ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਵਾਮਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੇ ਬਾਂਬਸੇ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਓ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੀ।